ना अंडा ना अवन ना मक्खन और ना मैदा का काम, जबरदस्त कुरकुरी करारी टेस्टी मार्केट से भी बढ़िया सूजी की बिस्किट बनाना है बहुत आसान। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत टेस्टी बिना बेक किए ऐसी झटपट बनने वाली सूजी की बिस्किट के जिसके सामने आप मार्केट की बिस्किट खाना छोड़ देंगे। एक बार बनाइए और महीने भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सबसे खास बात, इसके अंदर ना सोडा ना बेकिंग पाउडर ना कोई कलर ना कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी और खस्ता सूजी की बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बोल और यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी। घर की कोई भी कटोरी या कोई कप ले लीजिए और पूरी बिस्किट का मेजरमेंट आप इसी अनुसार करें, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। 1/4 कप घी का अर्थ हुआ लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब। अब यह सबसे जरूरी पॉइंट, घी आपको देखिए इस तरह का लेना है रूम टेम्परेचर का, ना बहुत पिघला हुआ होना चाहिए ना ही बहुत जमा हुआ, इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी बिस्किट बिना बेक किए। तो सारा घी बोल में डाल देंगे, घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, मतलब जिस कटोरी या कप से आपने घी डाला उसी से आप 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी लें। आप थोड़ी सी कम या ज्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप हल्का गरम दूध। हल्का सा गरम दूध लेंगे और सिंपल मैंने ये जो दूध लिया है जो हमारे यहाँ रोज में सुबह आता है बस ये वही दूध है और उबला हुआ दूध लिया है। आपको यहाँ हल्का गरम इसलिए लेना है क्योंकि हमने घी यूज किया है ना, तो बढ़िया से चीनी मेल्ट भी हो जाएगी। बस सभी चीजों को एक विस्कर से बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फेंट लेंगे। यकीन मानिए जब आप इस तरह बनाएंगे तो घर के बच्चे हों या बड़े सबको पसंद आने वाली है ये ऐसी रेसिपी है। बहुत ही आसान है ये सूजी के बिस्किट बनाना और इसमें जो क्रंच आता है मजा आ जाएगा खा करके। आप सारे बिस्किट छोड़ देंगे, हमेशा यही बनाना चाहेंगे। सबसे खास बात, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो आपकी इतनी बढ़िया बिस्किट बनाकर देंगी कि बार बार आप इन्हीं को बनाना चाहेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया चीनी का दाना मेल्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप फाइन वाली सूजी यानी बारीक सूजी। तो जिस कप या कटोरी से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसी कप या कटोरी से आप सूजी लें। तो ये देखिए इस तरह की फाइन सूजी, परफेक्ट। तो ये पूरे 2 कप हम सूजी लेंगे। अगर फाइन नहीं है सूजी तो एक बार आप मिक्सी में सूजी डाल करके चला लीजिए तो वो फाइन हो जाएगी। और ये गई 2 कप। अब साथ ही मैं अपनी बिस्किट को बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए, उसमें बढ़िया खस्तापन और कलर आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा। आप मैदा भी यूज कर सकते हैं पर आटे से खस्तापन बढ़िया कलर आता है, हेल्दी ऑप्शन है। तो उसी कप से 1/2 कप आटा डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच भर के मिल्क पाउडर, सिंपल जो पाउचेस आते हैं ना आजकल जिससे हम चाय भी बनाते हैं, ये डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे टेस्ट इतना बढ़िया आएगा बिस्किट में, बिल्कुल लगेगा जैसे मार्केट की बिस्किट है। डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो आप मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप आटे की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लें। साथ ही अपने बिस्किट के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए डालेंगे इसमें 2 पिंच नमक, सिर्फ 2 पिंच। इससे क्या होता है, जो मीठी चीजें होती है ना उनका फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अगर इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो डालिएगा, वरना आप ये भी स्किप कर सकते हैं। अब जो सीक्रेट चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ जिसके बाद तो बिस्किट में 2-in-1 टेस्ट आएगा और साथ के साथ क्रंच आ जाएगा, और वो है नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। बहुत ही बढ़िया लगता है सूजी की बिस्किट में, तो थोड़ा सा तो जरूर डालिएगा। आप अगर नहीं लाइक करें तो मत डालिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया क्रंच आता है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब एक ही बिस्किट में आपको सूजी की बिस्किट का भी साथ के साथ कोकोनट कुकीज का भी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आप अपने मन चाहे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। कोई सोडा नहीं डालना, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना, कोई अंडा नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से मैंने सभी चीजों को मिक्स कर दिया है। अभी ये आपको हल्का सा पतला लग रहा होगा, लेकिन सूजी डालिए ना, सूजी सभी चीजों को अब्सॉर्ब करेगी। यदि आपको लगे कि अभी भी थोड़ा पतला है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी की मात्रा या फिर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आपको लगे कि थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है तो आप थोड़ी सी दूध की छींटे लगा करके वापस इसे ठीक कर सकते हैं। तो लीजिए आटा हो गया हमारा तैयार, तो बस इसको हम रखेंगे 10 मिनट रेस्ट पर, जिससे कि जो सूजी वगैरह डाली है ना बढ़िया से फूल जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए आटा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है।
अब हाथ से बिल्कुल बढ़िया इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा मसाला नहीं है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं बनाना है, इस तरह का सेमी सॉफ्ट डो बनाना है कि मतलब आप उसकी छोटी छोटी बिस्किट हाथ से बना पाए। तो बस सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करके देखिए इस तरह से इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और ये देखिए अब ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल इसी तरह का हमें सूजी की बिस्किट के लिए आटा चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। अब आप लीजिए इसमें से छोटी छोटी आंवले के साइज की बॉल, इस तरह हाथ पर हल्का सा घी लगा करके इस तरह चिकना कर लें और बॉल को बिल्कुल बढ़िया से क्रैक फ्री इस तरह हम गोल घुमाते हुए बनाएंगे। हल्का सा प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरह मैं इस शेप की गोल गोल मीडियम साइज की बिस्किट बना रही हूँ। आप जैसे दिल चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल हर तरह से इसको डिजाइन दे सकते हैं। ऐसे गोल गोल बिस्किट बहुत ही बढ़िया लगती है, जैसे कोकोनट कुकीज मिलती है ना मार्केट में, इसमें वही वाला लुक आ जाएगा। तो सभी बिस्किट बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। अब जैसे फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर डाला है, आप चाहें तो अगर वनीला एसेंस हो आपके यहाँ तो आप वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं तो वो वनीला फ्लेवर की बन जाएंगी। लीजिए मैंने सारे ही बिस्किट इस तरह से तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे बिस्किट बनेंगी कैसे, हम कोई बेकिंग नहीं करने वाले हैं। सिंपल आप चढ़ाइए एक कढ़ाई या पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं चाहिए। अब यहाँ जो जरूरी पॉइंट है कि आपको ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म मीडियम फ्लेम पर ऑयल। देखिए मैंने पहले ही हल्का गर्म कर लिया था, एक छोटा टुकड़ा डालकर देखेंगे, ये देखिए एकदम से बबल्स नहीं आ रहे ना ही बॉल ऊपर आ रही है, इस तरह का हल्का गर्म तेल चाहिए। तो धीरे धीरे अपनी बिस्किट तेल में डालते जाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए तेल यहाँ पर, ना ही बहुत ज्यादा गर्म। ज्यादा ठंडा लेंगे तो बिस्किट बिखर जाएंगी और ज्यादा गर्म ले लेंगे तो वो एकदम से कलर पकड़ लेंगी, अंदर तक सिक नहीं पाएंगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपको तेल हल्का गर्म चाहिए। जितनी एक बार में आपके पैन या कढ़ाई में आ जाए उतनी बिस्किट आप डालें, क्योंकि थोड़ी फूलेंगी भी ना। अभी इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब एक फर्म सी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी बिस्किट के ऊपर तब उलट पलट करते हुए हम इसको बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हल्का हल्का सा लेयरिंग दिख रही है, तो धीरे धीरे बिस्किट को पलट देंगे, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हल्का हल्का कलर आ गया है। तो बस नीचे से भी इसी तरह से फ्राई होने देंगे और थोड़ी देर बाद फिर से उलटते पुलटते बिस्किट को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अक्सर बिस्किट बनाने की सोचो तो लगता है बहुत सारा बटर चाहिए होगा, इतनी बेकिंग करनी पड़ेगी या कोई हमें देसी ओवन बनाना पड़ेगा, लेकिन आप ये वाली बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएंगी, नॉन स्टॉप खाएंगे बच्चे। और आप देख सकते हैं कि बिस्किट में कलर बहुत अच्छा आया है, इसका टेक्सचर देखिए, साथ के साथ देखिए इसमें क्रैक्स हैं, इसका मतलब जो बिस्किट है वो अंदर तक खस्ता है और टेस्टी बनी है। तो सभी को बिल्कुल बढ़िया गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी की बहुत ही शानदार बिस्किट है बिल्कुल तैयार, इनका कलर देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपको बनाते बनाते। अभी ये हल्की आपको सॉफ्ट लगेंगी, जब आप इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे ये वापस से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा कलर आया है, देखिए क्रैक्स कितने सुंदर दिख रहा है, एकदम मार्केट जैसी बिस्किट बनी है हमारी। तो बताइए कोई जरूरत है बेक करने की, अब की बार आप ये वाली ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगी आपको ये बिस्किट। और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड बैच की भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी दूसरे बैच की भी सूजी की बिस्किट में बहुत ही प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर और बहुत ही प्यारे से क्रैक्स दिख रहे हैं। तो चलिए सभी को निकालते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी नो अंडा नो ओवन नो सोडा नो बेकिंग पाउडर नो बेक वाली कुरकुरी करारी क्रिस्पी मार्केट स्टाइल सूजी की बिस्किट। तो अभी आप यहाँ पर टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त आया है, जब आप बनाएंगे तो 100% मेरी गारंटी है आपका भी ऐसे ही बनेगा, बल्कि और बढ़िया बनेगा। मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए आया है ना जबरदस्त टेक्सचर, एकदम खस्ता और क्रिस्पी आप देख सकते हैं। ये देखिए टेस्ट में तो इतनी बढ़िया है कि मजा आ जाएगा, आप बाजार की छोड़ देंगे बिस्किट, यही वाली खाएंगे बस। तो आप इस तरह से जब ये बिस्किट ठंडी हो जाए इन्हें बना करके एक एयर टाइट जार में भर करके रख लीजिए, ये 2 महीने भी खराब नहीं होंगी। फिर जब भूख लग जाए, जब दिल चाहे, जब चाय के साथ मन करे कुछ बढ़िया खाने का, एंजॉय कीजिए ये सूजी की कुरकुरी बिस्किट का। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत ही शानदार आटे की बिस्किट की रेसिपी शेयर की थी और साथ ही जीरा बिस्किट की, दोनों ही रेसिपी बहुत मस्त है और बहुत ही बढ़िया उससे बिस्किट तैयार होती है, तो आप उन्हें भी जरूर ट्राई करें। वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो
तो आप भी जरूर बनाएं ये सूजी के बिस्किट। बहुत आसान है इन्हें बनाना जैसे आपने देखा, और टेस्ट में बहुत ही शानदार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।